Now we will discuss about the world Volvo with two sample run test. The world Volvo with run test was given by Roman born US statistician Abraham Wald in 1940 and Polish born US statistician Jacob Wolfowitz, है ना। तो इन्हीं दोनों साइंटिस्ट के नाम पर ये वाल्ड वोल्फोविट्ज इसका नाम रखा गया है ना। ये टू सैंपल के लिए होता है ना। कि वाल्ड वोल्फोविट्ज रन टेस्ट इज यूज्ड टू एग्जामिन वेदर टू रैंडम सैंपल कम फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई भी एक आपका पॉपुलेशन है ना, उससे दो रैंडम सैंपल लिया जाते हैं तो वो क्या होता है, वो एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से आता है ना, एक ही मतलब एक समान इनकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन से वो आ रहा है, ये टेस्ट करना है ना। दिस टेस्ट कैन बी डिटेक्ट डिफरेंसेस इन एवरेज आर स्पीड आर एनी अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बिटवीन टू पॉपुलेशन। दिस टेस्ट इज इफिशियंट व्हेन ईच सैंपल साइज इज मॉडरेटली लार्ज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, यानी कि ये जो है बहुत ज्यादा इफिशियंट है जब आपका सैंपल साइज जो है ग्रेटर देन 10 हो, ठीक है। एंड हियर नल हाइपोथेसिस टू सैंपल कम फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू सैंपल कम फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मतलब इसमें क्या है, सेम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, इसमें अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। इसमें जो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या यूज करेंगे, देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर वोल्फोविट्ज वोल्फो टेस्ट आर लेट आर डिनोट द नंबर ऑफ रन, ठीक है, टू अपीयर आर, मतलब आर को हम जो है नंबर ऑफ रन से डिनोट करते हैं, और आर को अपीयर करने के लिए क्या करेंगे, द लिस्ट आर लिस्ट द एन वन प्लस एन टू ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू सैंपल इन आर्डर टू इन आर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी कि आपका जो दो सैंपल हो गए, ठीक है ना, यानी कि मान लो एक्स है एक दूसरा वाई है, ठीक है ना, इनके मैग्नीट्यूड को आके आप को लेंगे, है ना, इनके मैग्नीट्यूड यानी कि इनकी वैल्यू को ही हम रन टेस्ट में हम इंक्लूड करेंगे, है ना। और डिनोट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वन सैंपल बाई एक्स एक्स एंड अदर बाई दी वाई काउंट दी नंबर ऑफ रन, और उसके बाद में और दोनों को मिक्स कर लेंगे, है ना, दोनों को मिक्स करके भाई दो सैंपल अलग अलग होंगे और दोनों को मिक्स करके उसके बाद में हम उसका रन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अब वो रन तो आ जाएगा, आर आ जाएगा, इसके बाद में क्या करेंगे, ये डिसाइड कैसे होगा कि क्या होगा, है ना, ये डिसीजन क्रिटिकल रीजन ऑफ क्रिटिकल वैल्यू ये कैसे करेंगे, डिफरेंस इन लोकेशन रिजल्ट इन द फ्यू रन एंड डिफरेंस इन द स्पीड ऑल्सो रिजल्ट इन द फ्यू नंबर ऑफ रन। Consequently, critical reason for this test is always one-sided. मतलब ये जो ये टेस्ट है सिर्फ मतलब ये जो है ना one-sided test जो है critical reason होगा, या तो left होगा या तो right होगा, यानी कि है ना this the critical value to decide whether or not number of runs are few is obtained from the table. है ना, जो ये obtained कहाँ से होगा, ये table से होगा। The table give the critical value RC. Table जो है RC की value जो है ये find out करने दे for N1 size of sample first, यानी कि N1 और N2 से and size of sample two and 5% level of significance. यदि अलग 5% level of significance पर हम डाबले 5% लेते हैं, वैसे 5% level of significance और N1 और N2 की सहायता से हम RC की value हम calculate करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो ये क्या है, ये वाल्ड वोल्फोविट्ज टू सैंपल रन टेस्ट है, तो इसके लिए हम जो एक आपका एक टेबल होती है आपका, इसमें देखो ये दिया हुआ आपको, हाँ ये देखो ना क्रिटिकल वैल्यू फॉर टू सैंपल रन टेस्ट है, टू सैंपल आपको जो दो सैंपल का रन टेस्ट देखना है वो इससे आप देख लोगे,
ये दिया हुआ सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ, ये जो टेबल जितने दी हुई है ये 5% लेवल ऑफ इंपैक्ट पर है ना सिग्निफिकेंट है 5%। आ गए बिस्तर नीचे। अब डिसीजन क्या होगा इसका, देखो डिसीजन रूल, इफ आर इज लेस देन आर इक्वल टू आर सी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, है ना। यदि जो जो आपने जो कैलकुलेट किया है आर, यदि वो क्रिटिकल है ना क्रिटिकल क्रिटिकल रन से जो है कम है ना, तो क्या होगा नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। इसका थोड़ा सा उल्टा है ना, अपोजिट है ना, कि जो ये कैलकुलेटिव वैल्यू आपका जो ना ये जो क्रिटिकल जो टेस्ट इसे किया था कि आपने आर निकाला है, यदि ये वैल्यू जो क्रिटिकल से कम हो गई, क्रिटिकल वैल्यू आर सी से कम हो गई, तो आपका नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। टाई इन केस ऑफ एक्स एंड वाई ऑब्जर्वेशन हैव द सेम वैल्यू प्लेस द ऑब्जर्वेशन एक्स वाई फर्स्ट इन इफ रन ऑफ एक्स वाई ऑब्जर्वेशन इज काउंटिंग, यानी कि क्या है, और ये पहले जो है एक्स रखेंगे फिर उसके बाद वाई रखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा कोई विशेष वो नहीं है। फॉर लार्ज सैंपल साइज, फॉर लार्ज सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू आर सी इज गिवन बिलो, है ना। आर सी क्या होगा आपका म्यू माइनस 1.96 सिग्मा एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। आर सी की वैल्यू क्या होगा, ये म्यू प्लस म्यू क्या है, म्यू इज द मीन, है ना, पॉपुलेशन मीन, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका लार्ज सैंपल के लिए, वेयर म्यू क्या है, म्यू इज दी 1 प्लस 2 एन एन 1 इनटू एन 2 अपॉन एन 1 प्लस एन 2, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है अंडर रूट 2 एन 1 एन 2 विद इन ब्रैकेट 2 एन एन 1 इनटू एन 2 माइनस एन 1 माइनस एन 2 अपॉन एन 1 प्लस एन 2 का होल स्क्वायर है एन 1 प्लस एन 2 माइनस 1, है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से हम जो डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये एग्जांपल है, टू डिटरमाइन इफ ए न्यू हाइब्रिड सीड सीडिंग प्रोड्यूस बाय ए बुशर फ्लावरिंग प्लांट फॉलोइंग डेटा वाज रिकॉर्डेड, एग्जामिन इफ द डेटा इंडिकेट्स दैट ए फ्यू हाइब्रिड प्रोड्यूसेस लार्जर श्रब्स देन द करंट वैरायटी। ये जो है ये कह रहा कि एक न्यू हाइब्रिड जो है सीड का जो प्रोड्यूस किया गया है ना, और उसमें जो ये कह रहा है कि जो करंट जो वैरायटी है ना और न्यू वैरायटी है वो एक जैसे है, इंडिकेट कर रहे हैं कि अलग अलग कुछ है ना। तो ये श्रब्स गर्थ और है ना, ये श्रब गर्थ जो है इनकी जो इंचेज में है ये हाइब्रिड के लिए है, और ये करंट वैरायटी जो आपका है ना, तो हाइब्रिड के लिए दे रही है परफॉर्मेंस, ये इस तरह से जो है आपका ये परफॉर्मेंस है, ये दिस इज द हाइब्रिड दिस इज द करंट वैरायटी। तो अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले सेट द नल हाइपोथेसिस, है ना, क्या करोगे दिस इज द एच नल एच नॉट एक्स एंड वाई पॉपुलेशन आर आइडेंटिकल, यानी कि जो ये पॉपुलेशन है ना हाइब्रिड और करंट वाला तो एक ही जैसा है ना, दोनों में अंतर नहीं है, एक जैसा ही है, ठीक है। एंड वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज सम डिफरेंसेस इन गर्थ ऑफ एक्स एंड वाई सब्स, मतलब जो आपका जो एक्स है और वाई है दोनों में डिफरेंसेस है ना। अब क्या करेंगे, अब दोनों को कंबाइन करेंगे, है ना, रन निकालने के लिए क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन दी ऑर्डर डेटा, है ना। इस तरह से आपका ऑर्डर डेटा मतलब इसको को है ये सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे, सभी को एक साथ में कंबाइन करके, है ना, और इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आसान है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही कर ले इसको। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी वैल्यू है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आप देखो ये 20 बना रहा है, तो ये 20 बना यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब ये ध्यान रखना कि ये कहा ये वाई का है कि एक्स का है, ये ध्यान रखना है। तो देखो ये जो है वाई का है, फिर आप देखो ये 24 पॉइंट ये है, तो इस तरह से आपका आपने ये 24.8 लिख लिया, फिर 27.6 है ना, इसमें 25.6 है ना, 30 ये अरे इस तरह से आपने ले अपने किया, इसका भी जो इसमें कंपाइन, इसके बाद 30 के बाद में क्या रहा 31.8, तो ये कहाँ का एक्स का है ना, 30 भी एक्स का है, तो यहाँ पर ये जो है ये तो 30 भी एक्स का है,
इस तरह से दोनों का कंबाइन हम ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, फिर इसके रन देखेंगे। तो अब देखो ये क्या है, ये जो ये वन आ गया सीधी वन, इसके लिए वन हो गया, और ये क्या हो गया दिस इज द टू मतलब टू रन, दिस इज द थ्री और दिस इज द फोर, ठीक है, दिस इज द फाइव है ना, और ये क्या हो गया दिस इज द सिक्स, यानी कितने रन हो गए, सिक्स रन हो गए है ना। तो ये क्या हुआ टेस्ट स्टैटिस्टिक आर इज इक्वल टू सिक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ रन, ठीक ना। और ये और ऑब्जर्वेशन कितने हैं फॉर एन वन इज इक्वल टू सेवन, इस वाले में कितने ऑब्जर्वेशन है सेवन है, और सेकंड में जो है सिक्स है, ठीक है। और क्रिटिकल वैल्यू आर सी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज थ्री। अब जो है क्रिटिकल वैल्यू क्या है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर N1 सेवन और N2 सिक्स पर कितनी वैल्यू है थ्री है। तो अब ये दोनों का कंपेयर करो आप, है ना, तो क्रिटिकल वैल्यू को और आपने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आई कहाँ से है ना, तो ये आप यहाँ से ना वही जो आपने बताया था ना आपका सेवन और सिक्स, देखो ये सेवन है ना, ये N1 सेवन देखो ना, ये सेवन और ये सिक्स, तो ये देखो ये आई है ना, ये आ रही है थ्री वैल्यू आ रही है, देखो ना ये दोनों का क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, ये N2 सिक्स और N1 सेवन, तो ये थ्री वैल्यू आ रही है। तो दिस इज द क्रिटिकल वैल्यू फॉर टू सैंपल रन टेस्ट का, ठीक है। तो अब देखो अब दोनों का कंपेयर करो, अब ये देखो क्या है दिस इज ग्रेटर देन, जो आपने कैलकुलेट किया वो ज्यादा है टेबल वैल्यू से, तो आपका क्या रहेगा, ये आपका वी एक्सेप्ट नल एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर ये क्या है डिसीजन, यदि आर कम होगा आर सी से तब आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अदरवाइज ये ज्यादा है तो इसलिए जो है आपका नल हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वी कंक्लूड दैट एक्स एंड वाई हैव आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि दोनों है ना एक समान ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है, परफॉर्मेंस में मतलब एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से दोनों आ रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ना, तो ये इसमें समझ आया आप लोगों को।